हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अल्पना बुरुआ। वेलकम टू माय चैनल। फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में एक नए पौधे के केयर टिप्स लेकर। हर वीडियो में बताकर आई हूँ, कोई भी पौधा लगाने से पहले सार बाटू का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर वन, पौधा के ग्रोइंग पीरियड, यानी पौधे विंटर में ग्रो करते हैं या समर में ग्रो करते हैं, जान लेना बहुत ही आवश्यकता है। नंबर टू, कौन से पौधे को लगाने के लिए गमले का मिट्टी कैसे तैयार करने हैं। नंबर थ्री, लाइट लोकेशन, यानी कौन से पौधे को कैसे जगह में रखना चाहिए, छांव में या सीधे सीधे धूप में, पौधा इंडोर है या आउटडोर जान लेना चाहिए। नंबर फोर, पानी देने के बारे में, कौन से पौधे को कितना मात्रा में पानी देना चाहिए, क्योंकि हर पौधे को एक ही मात्रा में पानी नहीं चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को बहुत ही कम पानी चाहिए, और कोई पौधे का पट के मिट्टी मॉइस्ट रखना चाहिए। यह सार बातों का ध्यान रखकर कोई भी पौधा लगाने से बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगी, यानी पौधे ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मनचाहा ग्रोथ मिलेगी, फ्लावर मिलेगी, बागीचे का शोभा बढ़ाएगी। आज मैं ये समर सीजन में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होने वाली और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलने वाली ये पौधा लाई हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह भर भर के फूल खिल रहे हैं। फूलों को देखकर आप लोगों को पता ही होगा इसका नाम क्या है। ये भिंका फ्लावर है। इस समर सीजन में बहुत ही अच्छी तरह फूल खिलने वाला पौधे है। ये आउटडोर प्लांट है। इस पौधे को सीधे सीधे धूप मिलना चाहिए, तभी पौधे अच्छी तरह ग्रो करेगी और फूल खिलेगी। ये भिंका का फ्लावर कई अलग अलग रंगों में खिलते हैं, रेड, व्हाइट, पर्पल, पिंक और कई रंगों में खिलते हैं। ये इजी टू केयर प्लांट है, कुछ ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं है। जो लोग न्यू गार्डनर वो लोग भी ये पौधे लगा सकते हैं। कोई लोग सोचते हैं इस बारिश का सीजन में खिलने वाला पौधे नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, बारिश का सीजन में भी बागीचा का सुंदरता बढ़ाने के लिए फूल खिलने वाला पौधा भी है। यह भिंका फ्लावर इजी टू केयर प्लांट है, इसीलिए जो लोग न्यू गार्डनर वो लोग भी ये पौधे लगा सकते हैं। इस पौधे को आप लोग सीधे सीधे धूप में रखिए, दिन भर का धूप मिलना चाहिए। दिन भर का धूप नहीं मिलने से कम इस पौधे को आप लोग सीधे सीधे 4-5 घंटे धूप दीजिए। ये पौधे को छांव में रखने से इसका पत्ते ही होगी, फूल नहीं खिलेगी। ये है पौधे की लाइट लोकेशन, यानी कैसे जगह में रखना चाहिए। भी आती हूँ इस पौधे को लगाने के लिए गमले का मिट्टी कैसे तैयार कर लेना चाहिए, कैसा मिट्टी तैयार करने से ये पौधे अच्छी तरह ग्रो करेगी। ये पौधे के लगाने के लिए गमले का मिट्टी भूरभुरिया बालू मिट्टी लेना चाहिए, इसीलिए गमले का मिट्टी में 70% आप लोग बालू मिट्टी दीजिए। आप लोगों के पास बालू मिट्टी नहीं होने से 40% नॉर्मल मिट्टी, 30% बालू लेकर बालू मिट्टी तैयार कर लीजिए, और 30% आप लोग खाद दे दीजिए। कोई भी खाद दे सकते हैं, सूखे गोबर का खाद या ब्राह्मी कंपोस्ट। ऐसे मिट्टी तैयार करके ये पौधे को लगाने से बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगी। गमले का मिट्टी भूरभुरिया कर लेने से कोई भी पौधे के जड़ बहुत ही अच्छी तरह फैलेगी, और हम लोग जो खाद दिया है गमले में बहुत ही अच्छी तरह ले सकेगी, और पानी देने से भी एक्सेस पानी ड्रेनेज होल से निकल जाती है। वैसे भी इस पौधे आउटडोर प्लांट है। इस बारिश का सीजन में ये पौधे बाहर में ही रहते हैं, ज़्यादा बारिश मिलेगी तो गमले का मिट्टी बहुत ही हार्ड हो जाती है, अभी पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, लेकिन बालू मिट्टी तैयार करके लेने से ऐसा दिक्कत नहीं होगी। ये पौधे ऐसा भी मिट्टी तैयार करके लगाने से बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगी, लेकिन मैं ये पौधे को लगाने के लिए थोड़ा अलग करके गमले का मिट्टी तैयार किया था। मैं आगे की वीडियो में दिखाया था ये भिंगा का पौधे कैसे लगाया, कैसे मिट्टी तैयार करके मैं भिंगा का ये पौधे लगाया था। मैंने ये पौधे कटिंग से ग्रो किया था और पौधे लगाया था। गमले का मिट्टी भी मैं 3 लेयर में
तैयार करके ये पौधे लगाया था। जो लोग आगे की भिंकिए के क्या टिप्स का वीडियो देखा था शायद वो लोग को याद होगी। गमले की नीचे वाली लेयर में सब्जी का छिलका, होलू का छिलका ये सारा दिया था, और इसका ऊपर वाली लेयर में 70% बालू मिट्टी, 30% खाद और एक चम्मच मात्रा में पोटास और डीएपी दाना आधा चम्मच दिया था। पोटास और डीएपी दाना को इसीलिए मिलाया था क्योंकि ये केमिकल खाद ज़्यादा फूल खिलने के लिए सहायता करते हैं। तीन नंबर लेयर में बालू मिट्टी 70% 30% खाद मिलाया था। ऊपर वाली टॉप लेयर में, ऊपर वाली टॉप लेयर में ही भिंका का पौधे लगाया था। ऐसे लगाया था ये पौधे को, इसका जड़ सेकेंड लेयर को जहाँ में पोटास और डीएपी दाना दिया था, ये लेयर में पौधे का जड़ टास में यानी संपर्क में नहीं आए, ऐसे लगाया था ये पौधे को। बाद में धीरे धीरे जब पौधे बड़े होगी, जड़ नीचे पहुँचेगी, तब पोटास और डीएपी दाना मिट्टी में मिल जाएगी और पौधे की जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगी। तभी पौधा बड़े होने से बहुत ही अच्छी तरह ज़्यादा फूल खिलेगी। इसीलिए मैं ऐसे मिट्टी तैयार करके ये भिंका का पौधे लगाया था। ये पौधे को मैं कटिंग से ग्रो किया था। ये हाइब्रिड वाला भिंका है, लोकल वाला भिंका से थोड़ा सा ज़्यादा केयर की जरूरत है। हम लोग किचन से निकले हुआ सब्जी का छिलका या पोलू के छिलके को ऐसे ना फेंक कर गमले के नीचे वाली लेयर में भी ऐसे दे सकते हैं, और गमले का ऊपर वाली लेयर में गमले के लिए जो मिट्टी तैयार किया हूँ दे देने से पोलू का छिलका या सब्जियों का छिलका नीचे में डब कर डीकम्पोज हो जाएगी और खाद का काम करते हैं। ये आती हूँ इस पौधे के गमले में कितना मात्रा में पानी डालना चाहिए। ये पौधे को ज़्यादा पानी आवश्यकता नहीं होते है। गमले का मिट्टी 2 इंच ऊपर वाला मिट्टी सूख जाने से पानी देना चाहिए। गमले का मिट्टी मॉइस्ट रखना जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जब भी ये पौधे का पौध के मिट्टी में पानी डालिए, भरपूर मात्रा में डालिए। गमले का नीचे वाला मिट्टी भीग जाए ऐसे डालिए, गमले का दोनों छल से पानी निकल जाए ऐसे डालिए, तभी पौधे के जड़ अच्छी तरह फैलेगी, नीचे तक जाएगी गमले में, और हम लोग जो खाद दिया हूँ वो खाद बहुत ही अच्छी तरह पौधे के जड़ ने ले सकेगी और पौधे का ग्रोथ अच्छी होगी। अभी आती हूँ इस पौधे का ग्रोथ अच्छा होने के लिए और ज़्यादा फूल खिलने के लिए बीच बीच में देने वाला खाद के बारे में। ये फूल खिलने वाला पौधे है, इसीलिए आप लोग ये पौधे को पोटेशियम वाला लिक्विड खाद हर 15 दिन के अंदर अंदर गमले का मिट्टी में डालिए। आप लोग ऑर्गेनिक लिक्विड खाद देने चाहे तो ऑनियन का छिलका और कल का छिलका से लिक्विड खाद बनाकर हर 15 दिन के अंदर अंदर ये पौधे के गमले के मिट्टी में डालिए। कल के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होते हैं, जो फूलों को ज़्यादा खिलने में सहायता करते हैं, और ऑनियन का छिलका फूलों को ज़्यादा डार्क खिलने में सहायता करते हैं। आप लोग पोटेशियम वाला केमिकल खाद डालने चाहे तो आप लोग पोटास यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पोटास लेकर रात में भिगो दीजिए, और इवनिंग आवर्स में ये लिक्विड खाद आप लोग पौधे का गमले में डाल सकते हैं। याद रखिए, ये केमिकल खाद आप लोग सिर्फ इवनिंग टाइम में या बारिश वाला दिन में ही डालिए, नहीं तो दिन में या सुबह में डालने से ज़्यादा गर्मी में पौधा मर भी सकते हैं। और आप लोग जब भी ये लिक्विड खाद डालिए, तब आप लोग इसका आगे में पौध का मिट्टी में पानी मत डालिए। पौध का मिट्टी जब सूखे रहेगी तभी डालिए, तभी ये पौधे के जड़ने ये लिक्विड खाद बहुत ही अच्छी तरह ले सकेगी। विंटर सीजन में ये पौधे को आप लोग ज़्यादा खाद मत दीजिए, क्योंकि विंटर सीजन में ये पौधे थोड़ा सा डोमेन सीधे चला जाते हैं, इसका ग्रोथ रुक जाते हैं, फूल भी कम खिलते हैं। इसीलिए ये पौधे को कम मात्रा में खाद डालिए, 1.5-2 महीने में
एक बार डालने से भी हो जाएगी और पानी भी कम डालना चाहिए। ये पौधे को ज़्यादा फूल खिलाने के लिए आप लोग और भी एक काम कर सकते हैं। ये पौधे को जितना भी बूसी कर सकते हैं उतना ही फूल मिलेगी। जितना ब्रांच ज़्यादा होगी फूल भी उतना ही ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए आप लोग ये पौधे को बूसी करने के लिए फिनिशिंग करना आवश्यकता है। ये पौधे को आप लोग फरवरी मास महीने ही लगाइए, तभी आप लोग ये पौधे को पिंचिंग करने के लिए टाइम मिलेगी। अप्रैल और मई महीने में इसका फूल खिलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। फूल जब खिलने का स्टार्ट हो जाते हैं, कली आने के स्टार्ट होते हैं, तभी पिंचिंग का काम बंद कर दीजिए। ये पौधे से नए पौधे उगाने के लिए आप लोग इसका कटिंग के थ्रू या इसका सीड के थ्रू नया पौधा ले सकते हैं। फूल खिलने के बाद ये पौधे के सीड्स तैयार होते हैं। ये देखिए इसका सीड तैयार हुआ है। अभी ये सीड मैच्योर नहीं हुआ है। इसका सीड जब मैच्योर हो गई तब इसका सीड का कलर ब्लैक होते हैं और इसको आप लोग उगा सकते हैं जनवरी फरवरी महीने में। इसका कटिंग के थ्रू भी पौधे उगाए जा सकते हैं। मेरा ये पौधे कटिंग से ही उगाया था, इजीली इसका कटिंग से उगाए जा सकते हैं। अभी भी इसका कटिंग से आप लोग पौधा ले सकते हैं, इजीली इसका रोट्स निकल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारा करके देखिए आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह खिलेगी। आजकल हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला भिंका भी मिलते हैं जिसका ब्रांच नीचे में लटकता है, इसका भी देखभाल सेम ही है। यह एक परमानेंट फूल है। मेरी वीडियो में जो बोल रही हूँ ये सब करके देखिए, ये भिंका का पौधा आपका बगीचे का साथ नहीं छोड़ेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिए, तभी जब भी मैं मेरा चैनल में नया नया पौधे की क्या टिप्स लेकर वीडियो डालूंगी तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।